हेलो एंड वेलकम एवरीवन। लास्ट वीडियो में आपको ये बताया गया था कि हम आज एड्रेस कैलकुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि वन डायमेंशनल एरे के अंदर किस तरह से एड्रेस कैलकुलेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये वन डायमेंशनल एरे है INT A ऑफ 7। तो इसके अंदर अगर मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना हो, फॉर एग्जांपल A ऑफ 7 एरे A ऑफ 0 से लेकर A ऑफ 6 तक आता है, और मेरे पास पहला एलिमेंट A ऑफ 0 100 एड्रेस पर है, तो मैं अगर आपको बोलूँ व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ एलिमेंट एट A ऑफ 5, यानी कि A ऑफ 5 पर जो एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है, तो यहाँ पर देख कर आप बता सकते हैं इट इज़ 110। लेकिन सपोज़ अगर मेरा एरे A ऑफ 50 का है, A ऑफ 50, और मैं आपको बोलता हूँ व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ A ऑफ 42, तो ये काउंट करना बहुत मुश्किल होगा, यानी कि आपको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा 114, 116, 118, 120, 122, इस तरह से पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, और फिर लास्ट में जो A ऑफ 42 आएगा उसका एड्रेस आप यहाँ पर देख सकेंगे। तो ऐसे किसी भी बड़े एरे के लिए पर्टिकुलर एलिमेंट के एड्रेस को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसे आसान बनाने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। एड्रेस ऑफ A ऑफ I इक्वल टू B प्लस I इंटू W, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिस एलिमेंट का मुझे एड्रेस कैलकुलेट करना है A ऑफ I, तो उसके लिए मुझे इस्तेमाल करने का B प्लस I इंटू W। व्हाट इज़ B? B यदि आपको याद हो तो B यानी कि एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट यानी कि बेस, I यानी कि इंडेक्स वैल्यू ऑफ द एलिमेंट टू बी सर्च्ड, जिस एलिमेंट का एड्रेस मुझे सर्च करना है, एंड W इक्वल टू वर्ड साइज यानी कि एज पर द डेटा टाइप। तो सिंपल एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखिए, एड्रेस ऑफ A ऑफ I इक्वल टू B प्लस I इंटू W। एग्जांपल कंसीडर कीजिए एक एरे A ऑफ 10 और B यानी कि एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट का A ऑफ 0 वाला है और W हमारा 2 है, यानी कि वर्ड साइज हमारा 2 है इंटीजर डेटा टाइप का। देन द एड्रेस ऑफ A ऑफ 7 कैन बी कैलकुलेटेड बाय एड्रेस ऑफ A ऑफ I इक्वल टू B प्लस I इंटू W। व्हाट इज I? I इज 7, क्योंकि मुझे 7th का कैलकुलेट करना है, इंटू W, W यानी कि वर्ड साइज दैट इज 2 इंटीजर के हिसाब से जो यहाँ पर दिया गया है, तो B प्लस 14। अब B जो भी होगा वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। तो ये एक जनरलाइज्ड एग्जांपल है जहाँ पर हम एक रियल एग्जांपल अभी लेंगे। तो कंसीडर एन एरे A ऑफ 50, कंसीडर एन इंटीजर एरे, ध्यान दीजिएगा इट इज़ एन इंटीजर एरे, यानी कि हमें इसको देखकर पहचान जाना है कि W हमारा क्या होगा, 2 bytes। इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट इज़ एट एड्रेस 3580, पहला एलिमेंट का एड्रेस 3580 है, तो व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ A ऑफ 35? वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, एड्रेस ऑफ A ऑफ I इक्वल टू B प्लस I क्रॉस W। व्हाट इज़ B? B यानी कि हमें दिया हुआ है 3580, एंड I यानी कि जिसका मुझे कैलकुलेट करना है दैट इज़ 35, तो I यहाँ पर आएगा 35, एंड W यानी कि हमारा वर्ड साइज दैट इज़ इंटीजर दैट इज़ 2। तो पहले प्रेसिडेंस के अनुसार 35 इंटू 2 करेंगे तो 70, तो 3580 प्लस 70 दैट इज 3650। सो दिस इज़ द एड्रेस ऑफ एलिमेंट A ऑफ 35, वेरी सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल, कंसीडर एन एरे फ्लोट ARR 50, तो इससे पता चलता है कि हमारा W क्या होगा, 4 bytes का, और एरे का साइज़ है 50। If the address of the first element is 2000, पहले एलिमेंट का एड्रेस 2000 है, what is the address of 15th element? अब ध्यान दीजिए, 15th element है तो पहले एलिमेंट 0 से शुरू होता है, तो 15th element 14 नंबर के इंडेक्स पर होगा, इसलिए I यहाँ पर 15 नहीं आएगा, I आएगा 14, यानी कि 15-1। तो B यानी कि बेस दैट इज़ 2000, एंड I यानी कि इंडेक्स यानी कि 15-1 दैट इज़ 14, इनटू वर्ड साइज हमारा क्या है, 4 दैट इज़ W। तो 2000 प्लस 56 इज 2056, इस तरह से एड्रेस कैलकुलेट होगा। तो तीसरा एग्जांपल, एक एरे अज्यूम कीजिए डबल प्रिसीजन का, तो इसको देखकर ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि डबल प्रिसीजन यानी कि हमारे डेटा टाइप की साइज़ क्या है। डेटा टाइप की साइज़ है हमारी डबल प्रिसीजन का हमारा साइज़ है 8 bytes, क्योंकि वो 8 bytes की स्पेस लेता है, और उसके अंदर 90 एलिमेंट्स है, 90। व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ 67th एलिमेंट? सो 67th बोला है, सो इट मीन्स कि हमारा एलिमेंट कौन सा होगा, 66 नंबर का इंडेक्स। इफ़ द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज 500, तो एड्रेस ऑफ A ऑफ I इक्वल टू B प्लस I इंटू W। व्हाट इज़ B? 500, जो यहाँ पर दिया हुआ है।
आई इज 67-1, दैट इज 66, क्योंकि 67th एलिमेंट है तो वो 66 नंबर के इंडेक्स पर होगा. एंड डब्ल्यू इज 8, सो 500 प्लस 528, दैट इज 1028. नेक्स्ट एग्जांपल, एक एरे अज्यूम कीजिए माय एआरआर 100 और वो इंटीजर डेटा टाइप का, तो इंटीजर इज 2 बाइट्स यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू 2. व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ 100th एलिमेंट? अब 100th एलिमेंट 99 नंबर के इंडेक्स पर होगा, तो 100-1 दैट इज 99. इफ़ द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑल्सो 100, यानी कि पहले एलिमेंट का एड्रेस भी 100 है, तो 100 प्लस इंडेक्स हमारा कौन सा है, 99th, यानी कि 100th एलिमेंट यानी कि 99 नंबर के इंडेक्स पर, तो 100-1 दैट इज 99 इनटू वर्ड साइज दैट इज 2. सो 99 इंटू 2 पहले प्रेसिडेंस के अनुसार 198 प्लस 100 दैट इज 298. तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का एड्रेस बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई इक्वल टू बी प्लस आई इंटू डब्ल्यू. अब हम नेक्स्ट क्लास में एरे का, वन डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम देखेंगे. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.